हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने तो बोरिंग नहीं है हम कि तुम उबासी ले रहा है। चिकन सेकंड शेरू सेकंड सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन आकांक्षा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसे ही, मतलब हो एक्सपेंसिव होम डेकोर का कुछ सामान आज हम शॉपिंग करके आए। और वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि मेरा क्या बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और हालांकि शोरूम में जाना था तो बना सकते थे, बट फ़ोन भी मेरा डिस्चार्ज हो गया था और वीडियो ठीक तरीके से हम बना भी नहीं पाते, और बनाए भी है तो वो कैमरा को ऐसे पकड़ लिए तो डालना कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो हम सोचे एक ही बार घर पे आके आपको प्रॉपर अच्छे से दिखा देंगे। तो बहुत सारा शॉपिंग किए, और मींस कि छोटा मोटा शॉपिंग नहीं है, एक्सपेंसिव होम डेकोर का सामान आज हम खरीदे हैं। और छोटा मोटा तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन आज जो प्रोडक्ट लिए हैं वो टोटल मतलब कॉस्टली है ना मम्मी? कॉस्टली है, और उतना भी कॉस्टली नहीं है, बट इसको एक्सपेंसिव बोलेंगे, मोस्ट एक्सपेंसिव में ये नहीं आएगा। छोटा मोटा सामान है जो जो हमको अच्छा लगा, तो आज शॉपिंग करने गए थे। और मम्मी को भी कुछ लेना था अपने लिए, शूज़ लेना था उनको, तो क्योंकि कल मम्मी छपरा जाने वाली है। आई तो थी जिस काम से, वो काम हम लोग का हो नहीं पाया, तो मम्मी फिर से जा रही क्योंकि उसका कॉलेज फिर छुट्टी हो जाएगा। तो कॉलेज मिस हो जाएगा ना, तो वो छुट्टी हो जाएगा ना मम्मी? मतलब एब्सेंट हो जाएगा कॉलेज में। तो मम्मी बोली कि हम चले जाते हैं छपरा, फिर हो सके तो दुर्गा पूजा में आएंगे। तो कल मम्मी जाने वाली है, ये भी बहुत सैड न्यूज़ है। और दूसरा चीज़ ये कि क्या क्या ख़रीद के लाए हैं हम आपको एक एक करके अच्छे से दिखाएंगे, और आपको क्या क्या अच्छा लगा, कौन सा चीज़ अच्छा लगा ज़रूर बताए। ये देखिए मार्केट से आते ही फ्लैट हो गई है, एकदम सो गई है थक के। तो अभी चलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख सकते हैं कितना सारा शॉपिंग किए। ये वाला बहुत ही बड़ा वाला फोटो फ्रेम है जो कि सोफा के पीछे हम लगाएंगे, तो अभी इसको साइड में रखते हैं। और इसके अलावा है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, दो भर के कार्टून। इसमें सब मतलब एक्सपेंसिव डेकोर का चीज़ है, तो हम आपको एक एक करके इसको अच्छे से निकाल के दिखाते हैं, और आप लोगों को क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ये सब मैंने फ्लावर्स भी खरीदे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत ही यूनिक टाइप का है, मीन्स बहुत ही प्यारा लगा। मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव, ये सब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अराउंड 200। ये वाला 250 का है, ये भी 200 का है। रोज़ वाला थोड़ा कॉस्टली है, और ये भी 200 का। मतलब ये सब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट जो हम लोगों ने हाँ, और ये तो मुझे गिफ्ट मिला है शुभम से। ये मैं थोड़ा मोटी हो रही हूँ ना, तो इस वजह से शुभम ने मेरे को पांडा वाला कप मंगा दिया। और ये कप काफ़ी अच्छा है, मतलब ये खोल सकते हैं, और सुबह उठने में को लेट होता है ना, तो इसको आप बंद करके भी रख सकते हैं ताकि ठंडा नहीं हो। और जैसे कि मैं खुद ही एक क्वीन हूँ, तो एक मेरे लिए ये क्वीन वाला भी कप आया है, तो आप लोग देख सकते हो। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव वो भी है, बोथ आर एक्सपेंसिव, बट दिस वन इज़ लिटिल बिट हायर देन दिस। सो ये कप है दो, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप बताइएगा, दिस वन या दिस वन। सो अभी ये सबका अनबॉक्सिंग। तो पहला बॉक्स है, ये मैंने क्रिस्टल का कछुआ लिया है, जो कि बोलते हैं कि घर में रखने से काफ़ी शुभ होता है। तो ये बहुत ही बड़ा साइज़ का है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। तो ये सब कोई मैंने ऑनलाइन या डिस्काउंट वगैरह का शॉपिंग नहीं किया है, सो ये कोई प्रमोशन भी नहीं है, और ना ही कोई ये किसी हॉल का शॉपिंग है। एग्जैक्टली, ये मैंने पर्सनली कोलकाता में शॉप से जाके परचेस किया, और अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मतलब कुछ टाइम के लिए टूट जाएगी या कुछ भी, बट जो आप प्रॉपर होम डेकोर का सामान, थोड़ा लोग सोचते हैं सस्ता खोजो,
बट मैं चाहती हूँ कि ये तो परमानेंट है, आपको हटाना नहीं है, तो होम डेकोर का सामान आप थोड़ा एक्सपेंसिव लो। अब मैं ये नहीं कह रही कि लाखों करोड़ों में खरीदो, बट थोड़ा एक्सपेंसिव लो और दिखने में और क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका घर बहुत मेहनत से बनाते हो, बहुत मेहनत से सजाते हो। तो फर्स्ट है ये कछुआ जो कि बहुत ही प्यारा है, और मेरी मम्मी काफ़ी टाइम से बोल रही थी, तो पहले मैंने ये कछुआ लिया जो कि मैं टीवी के नीचे इसको रखूँगी, और अब दूसरा चीज़ दिखाती हूँ आपको। उसके बाद सस्ते से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैंने लिया है ये। अरे प्राइस बताना थोड़ी जरूरी है। नहीं, अगर आप पूछोगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद मैंने लिया है ये पुराने ज़माने में वो जो लालटेन टाइप का रहता था, तो ये कैंडल स्टैंड है, इसके अंदर आप कैंडल जलाओगे, और मैंने कैंडल भी परचेस किया, ये देखिए बहुत ही प्यारा है। ऑनलाइन वाला मैं मंगा के देख चुकी हूँ, वो इतना ही छोटू सा रहेगा और कोई सेंस भी नहीं है उसको मंगा के, वो टूट भी जाता है, तो ये आप लोग देख इरिटेट हो जा रहे हैं, मुँह पे बाल आ रहा है, तो ऐसा मैंने दो लिया है ताकि दो साइड में मैं लगाऊँ। और इसके अंदर क्या, मैंने कैंडल भी खरीदा अच्छा फ्लेवर वाला, बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा, आप लोग देख सकते हो कबूतर जा वाला लग रहा है तो ऐसा दो लिया है मैंने, एक ये और सेमी कलर का लिया क्योंकि मेरे को वो कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। तो तीसरा आइटम है ये, वही उसका लैम्प का दूसरा चीज़ है, और तीसरा आइटम है ये छोटे से प्यारे से गन्नू भगवान, गन्नू मतलब हमारे गणेश जी। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा और काफ़ी वेटेड भी है, और ये छोटे से गणेश जी है, ये शुभम का पसंद है, मेरा नहीं, ये मुझे पसंद था, तो ये इनको पसंद था तो इन्होंने ये लिया है, काफ़ी क्यूट है, अप्रॉक्स 500 या 600 का है ये, और बहुत ही ज़्यादा वेटेड है, बहुत प्यारा भी है। प्राइस मेंशन कर रहे हो, प्राइस बताने मना किया। प्राइस मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग को कोलकाता से हो तो मैं शॉप भी बता दूँगी, मैं चाहती हूँ आप लोग तक पहुँचे। और ये एक छोटू से अगेन गणेश भगवान है जो कि मैंने कार में रखने के लिए लिया, आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, और ये सीसा के अंदर, सीसा नहीं है फाइबर है ना, फाइबर के अंदर है, डैशबोर्ड में लगाने के लिए। तो आई थिंक ये भी मेरे को अच्छा लगा तो मैंने जस्ट ले लिया कार के पर्पज से ही, तो मेरे को तो क्यूट लगा मैंने ले लिया। और अब चलते हैं कुछ बड़े बॉक्स की तरफ, सो इसमें क्या है देखते हैं। हाँ, मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब सेकंड एक्सपेंसिव में ये होगा, और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक। अगर आप सोचोगे ये फ्लिपकार्ट वाला है तो ये फ्लिपकार्ट वाला नहीं है, फ्लिपकार्ट का मैंने ऑर्डर करके उसको फिर रिटर्न भी कर दिया था, वो आया था इतनी छोटू सा, मतलब जस्ट ये जितने बड़े गणेश जी है ना बस इतना ही बड़ा आया था। तो बुद्धा के हम बहुत ज़्यादा ये है, मतलब सिंबल ऑफ पीस, तो बुद्धा का जो होता है मैं बहुत सारा ली, मेरे घर में और भी बहुत सारा चीज़ है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब मेरे फेस जितना बड़ा है तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा हो। मेरे को तो ये सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये ऐसे आप कहीं भी रख के डेकोर कर सकते हो, बहुत प्यारा है, और प्राइस भी इस पर लिखा हुआ है 1620, पर मेरे को 1500 का पड़ा ये, तो आई थिंक बहुत प्यारा है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो अब चलते हैं दूसरे गिफ्ट, तो अभी खोलेंगे सबसे बड़ा वाला डिब्बा, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट था, सबसे ज़्यादा मेरे को अगर कुछ पसंद आया है तो ये वाला ही आया था शॉप पे। इसका दो कलर था, वाइट कलर में था, शायद अगर मैं फ़ोटो ली हूँगी तो आपको मेंशन कर दूँगी, पर मुझे ये वाला ही पसंद आया, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं। ये एक सोपीस बोलेंगे ना मम्मी, कपल सोपीस स्टैचू है, और ये 1130 का है, तो मुझे 1100 का पड़ा है ये, आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, तो ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि बुद्धा मतलब छोटा सा भी बुद्धा आप खरीदते हो ना तो 200-300 का आपको पड़ जाता है, तो ये बुद्धा मेरे को बहुत एक्सपेंसिव पड़ा, बट मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, और ये वाला सबसे प्यारा लगा, बहुत ही क्यूट कपल है, और इसका वाइट कलर भी था बट मुझे यही कलर अच्छा लगा, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा।
तो अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और तो आपको दिखाते हैं हम, बहुत ही प्यारा है, जस्ट लाइक जो मैंने गाड़ी के लिए लिया है उसका ही है। और ये बड़ा वाला है। हाँ बड़ा वाला है, बहुत ही बड़ा है। नहीं शुभम आप लास्ट लास्ट मना कर रहे थे, ये मेरे पसंद का है। नहीं काले जी तो मैंने बोला। नहीं नहीं ये झूठ बोले, ये ले ही नहीं रहे थे, हम लास्ट में बोले कि नहीं आप दे दीजिए। अरे आप तो इसको मूर्ति में दिख रहे हैं, हम तो इसको रियल में दिख चुके हैं घर पे अपने। वो चीज अलग है, लेकिन मेरे को ये बहुत ही बहुत प्यारा लगा, तो जेन्युइनली बहुत प्यारा है। फोटो में आ रहा है अच्छा या नहीं पता नहीं, बट रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा है ना मम्मी, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो ये मुझे कुछ अपना पापड़ 1000 रुपीज का पड़ा है मुझे। हाँ 1060, इसमें प्राइस कम नहीं था क्योंकि ये पता नहीं क्यों क्यों कम। तो मैंने एक ये फोटो फ्रेम लिया, मैं अपने बेड के साइड टेबल पे अपनी फोटो लगा के रखूंगी अपना, क्योंकि आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो मैं ये लगाऊंगी, और कौन सा फोटो लगाऊंगी वो भी आपको लगाने के बाद दिखाऊंगी। तो इट्स क्वाइट गुड, और छोटा सा भी चाहिए था मुझे क्योंकि मुझे अपना सिंगल फोटो लगाना है, सिंगल। तो ये बैग एक्चुअली इसको डायपर बैग बोलते हैं छोटे बच्चों का, बट पता नहीं मेरी मम्मी को क्या बोलती, इसमें खाना रख के हम रास्ते में लेके जाएंगे। तो इट्स क्वाइट गुड, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 500 रुपीज़ का है, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है। और सच में अगर आप रास्ते में खाना वाना लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। हाँ यार शुभम ये बच्चों वाला ही है, वो सही बोला था डायपर बैग है आंटी जी, पर मम्मी बोली नहीं नहीं हम तो इसमें खाना रख के लेके जाएंगे। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्पेस, सही में खाना वाना आराम से रख के जा सकते हैं, स्पेस भी ज़्यादा है, स्पेस भी ज़्यादा है। और साइड में ऐसे कुछ हरा मिर्चा रख लीजिए, जैसे कि मेरे पापा बहुत चटोड़े हैं, अगर वो रास्ते में प्याज खीरा सब लेके जाते हैं कि अगर मौका मिल गया, और लंबा टूर का सफर है वो तो फ्लाइट में भी लेके चल जाए, उनका बस चले तो मेरे पापा तो महान। रोटी सब्जी ले, हाँ एक बार फ्लाइट में रोटी सब्जी ले जाके और आराम से जब फ्लाइट बैग दे दीजिएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो पापा का तो बैग लेडीज बैग है, जेंट्स बैग, मम्मी ये डायपर बैग है छोटे बच्चों के लिए लेके घूमना पड़ता है, छोटे बच्चे ही तो हैं, साइड में भी है, काफी क्यूट लग रहा है। तो ये बंदरवाल तो बड़ा वाला होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते, साइड का लटकन वगैरह कुछ। तो ये मैंने मंदिर में दोनों साइड पे लगाने के लिए लिया है, तो बहुत प्यारा सा है। और बंदरवाल में खोज रही थी अपने मेन गेट पे लगाने के लिए, बट वो मेरे को मिला नहीं, तो वो दिवाली के टाइम में ले लेंगे। बट अभी ये छोटा सा लिया है जो कि मंदिर है मेरा, मंदिर के बाहर में लगाऊंगी। और अब आपको ये सब कुछ सेट करने के बाद दिखाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ रखा है कहाँ नहीं। और ये मैंने मैट लिया है जो कि डाइनिंग टेबल पे खाने समय रखा जाता है, तो ये भी मेरे को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा, 300 ना, 300 का ही है। और इसमें आपको 6 आपको मिल जाता है वो जिसपे आप ग्लास ग्लास रखने वाला, और काफ़ी ज़्यादा है। मेरे डाइनिंग का कॉम्बिनेशन वाइट में था तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। और भी हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है जो कि घर के काम का है, तो ये शुभम ने लिया क्योंकि इनको सुबह में गरम गरम पानी चाहिए, और मेरे पापा को भी चाहिए, तो मम्मी ने भी एक लिया है। तो ये 1 लीटर का मिल्टन का हॉट वाटर का है, हॉट कोल्ड दोनों है। तो ये हम लोग को 1000 रुपीज़ का था एक, तो हम लोगों ने ये भी 2 लिया, जो कि एक मम्मी बिहार लेके चली जाएगी और एक हम रखेंगे। और इसके अलावा लिया है तो ये डाइनिंग टेबल का कवर है, और ये बहुत ही प्यारा वो ट्रांसपेरेंट कवर है, और साइड में गोल्डन का बहुत ही प्यारा लेस दिया हुआ है, जो कि लगाने के बाद क्योंकि मेरा डाइनिंग टेबल मार्बल फिनिश का है तो उसमें कुछ कलरफुल लगाएंगे तो वो सारा उसका उतना महंगा खरीदा हुआ बेकार चला जाएगा। तो मम्मी बोली एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा लो ताकि वो सेफ रहे या स्क्रैच वगैरह नहीं है, तो ये एक लिया है। और वो जितने सारे कैंडल लिए तो ये काफी अच्छा स्मेल है इसका, निकालते ही स्मेल आ गया, आप भी स्मेल करो, स्मेल ही खुशबू बोलते हैं। हाँ हाँ खुशबू, फ्रेग्रेंस है, हाँ अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो ये सब हम मतलब कभी घर में मन किया आपको रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर करने का तो वो फटाक से लगा लीजिए, उसका स्टैंड ये रहा, और उसका स्टैंड रहा इसके अंदर में लगा के जला दीजिए, बहुत ही प्यारा है। और भी बहुत सारा मेरे पास कैंडल है, बहुत ज्यादा कैंडल के हम शौकीन भी है, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। बहुत सारा फ्लेवर है, ये येलो वाला पता नहीं कौन सा है, कौन सा है कौन सा फ्लेवर मेरे को मालूम नहीं है, बट ये मेरे को
जब जलेगा तो। हाँ 320 का पड़ा ये बहुत ज़रा, और नॉर्मली जो अगर आप विदाउट फ्रेगनेंस लोगे तो आपको 150-200 में मिल जाएगा, बट ये एक्सपेंसिव है क्योंकि ये फ्रेगनेंस वाला है। तो ये सब कुछ मैंने, ये भी हम लोग बांस बोलते हैं। हाँ ये कुछ चाइनीज बांस वगैरह है, बट मानते हैं कि ये बहुत शुभ होता है घर में लगाना, तो हम लोगों ने इसको लिया है। बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी लोगों के पास मैंने देखा, आपकी रोशनी बढ़ती और इसको देखने से आपका आइज का रोशनी बढ़ता है ऐसा मैंने सुना है, बट मेरे को कुछ उतना आइडिया नहीं, बट मेरे को अच्छा लगा तो मैंने लिया। और मैंने ये लिया, ये मैंने क्या होता है शुभम, हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने, मम्मी चाकू लगी तो एक, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो अभी इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे एक्सपेंसिव यही है, ये 2000 का है, तो बुद्धा से ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ ना, बुद्धा से ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, बुद्धा मैंने खरीदा है ना ये देखते हो मम्मी बहुत जल्दी क्रेडिट लेते हैं, ये कहीं नहीं लेंगे क्रेडिट, अच्छा चीज मैं ही खरीदता हूँ। ठीक है हम बुरा चीज़ खरीदे हैं ना, मम्मी हेल्प लगेगा आपका। अगेन बुद्धा की मेरे को बहुत ज्यादा बिलीव है बुद्धा में, और बहुत शांति मिलता है, और आप पीछे भी देख सकते हो ऑलरेडी पहले से भी एक बुद्धा है यहाँ पे, तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। तो ये आपको आ गया, ये देखिए, ये देखिए कैसा लग रहा है, सोफा के हेड पे। तो ये हम लोगों ने सोफा के हेड बैकड्रॉप के हिसाब से लिया है, क्योंकि वो बहुत खाली खाली सा लग रहा था सोफा के पीछे, तो ये हम लोग लगाएंगे। और ये पूरा 3D है, 3D टेक्सचर, आप अगर साइड से देखोगे ना तो जैसा लगे जैसे ये सिर निकल रहा है, मतलब हेड सामने आ रहा है, पूरा 3D है, बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है। तो इसको कल हैंग करेंगे, क्योंकि अभी तो वो है नहीं, बुलाना पड़ेगा कारपेंटर को, सारा डेकोरेशन करने वाले, हाँ मतलब उसके बाद भी एक वीडियो, मतलब हाँ। और ये सारा मैंने अभी सारा आपको सामान दिखा दिया ना, कि मैं क्या क्या आज खरीद के लाई हूँ, और जो होम डेकोर का, इसके बाद जो वीडियो आएगा वो कंप्लीट पूरा होम डेकोर का आएगा, और होम टूर आएगा, तो आई थिंक हाँ वो सब कुछ समझ में आ जाएगी कि हम लोग कौन सा चीज़ हम लोगों ने कहाँ सेट किया। तो अभी क्या क्या खरीदा है वो आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट आपने थोड़ा बहुत घर देखा ही होगा, बट एक प्रॉपर जो होम टूर होता है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को कैसा लगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है आई थिंक, कितना फीट होगा सुबह, 4-5 फीट है, ये 5 फीट है, देखने में बहुत प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और ये फीलिंग सबसे अच्छा है, फीलिंग टेक्सचर है। हाँ